दोस्तों नमस्कार जय श्री कृष्णा जय श्री राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव की सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 16 दिसंबर 2023 को इनका परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन एक महापरिवर्तन है सूर्य का आपको बताएंगे कि कैसे ये महापरिवर्तन है सूर्यदेव धनु राशि में 16 दिसंबर को प्रवेश करेंगे धनु राशि में इनका गोचर 16 दिसंबर 2023 से लेकर के 14 जनवरी तक रहेगा जो 2024 14 जनवरी 2024 तक रहेगा और इस एक महीने के इस गोचर में सूर्यदेव आपको यानी 12 राशियों को जो प्रभाव देने वाले हैं वो अद्भुत है क्योंकि सूर्य शनि और राहु की दृष्टि से मुक्त होंगे इस प्रवेश इस परिवर्तन इस ट्रांजिट से धनु राशि में जैसे ही गोचर करेंगे जैसे ही प्रवेश करेंगे सूर्य तो शनि और राहु इन दो ग्रहों की दृष्टि से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और यह अपने आप में एक अद्भुत राजयोग है एक अद्भुत परिवर्तन है और इसीलिए हम इसे महापरिवर्तन कर रहे हैं केवल इतना ही नहीं सूर्यदेव धनुराशि में गोचर कर रहे हैं और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति इन पर पूर्ण दृष्टि रखेंगे पूरे गोचर में तो इससे एक महान राजनीतिक राजयोग बन गया और ऐसे राजयोग से अपार संपदा प्राप्त होती है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती है आपकी लाइफ में क्या कुछ बढ़ाएंगे सूर्य का यह परिवर्तन आपकी लाइफ में क्या कुछ देने वाला है ये राशि परिवर्तन आपकी लाइफ को किस प्रकार से बदलने वाला है ये लगभग तीस दिन का समय आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है ये हम जानकारी आपको देंगे लेकिन उससे पूर्व मेष से लेकर मीन पर्यंत बारह राशियों का राशिफल जानेंगे सूर्य गोचर फल जानेंगे लेकिन उससे पूर्व आपको हमें बताते हैं कि आखिर देव का यह परिवर्तन देखना क्यों जरूरी हो जाता है अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तब आपको सूर्य का यह परिवर्तन देखना चाहिए अगर आप राजनेता हैं राजनीति के क्षेत्र में प्रयासरत हैं उसमें आपको ये परिवर्तन देखना चाहिए इस समय तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि राजनीति में बहुत ज्यादा बदलाव हो रहे हैं राजनीतिक पदों में बहुत बदलाव हो रहे हैं तो इसलिए ये सूर्य का परिवर्तन और ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है देखना उसके साथ साथ सूर्य आपकी आत्मा है सूर्य आपका अंधकार से निपटने वाला प्रकाश है एक आपको एक अंतरंग ऊर्जा देता है सूर्य सूर्य आपकी वो क्षमता है वो एनर्जी है जिससे आप दिन रात लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं सफलता प्राप्त करते हैं सूर्य देव की स्थिति को पूरी तरह से अगर जान लो तो सूर्यमय हो जाएंगे आप हर तरीके से सूर्य को ही आप देखेंगे और सूर्य से ही हर चीज अपनी ज्योतिष से घटाएंगे क्योंकि सूर्य अद्भुत है सूर्य इसीलिए ज्योतिष में ग्रहों का राजा माना गया है क्योंकि सूर्य अगर नहीं है यानी प्रकाश नहीं है तो सभी ग्रह बेकार हैं हम मनुष्य के प्राण नहीं रहेंगे अगर हमारा हमें प्रकाश नहीं मिलेगा बहुत दिनों तक तो हम अपने आप में ही मर जाएंगे ये सबसे बड़ा चमत्कार है सबसे बड़ा चमत्कार सबसे बड़ा अध्यात्म ज्योतिष इसीलिए कहता है कि सूर्य चंद्रमा साक्षात ज्योतिष के साक्षी हैं गवाह हैं क्योंकि सूर्य चंद्रमा को शास्त्रों में हजारों सालों से करोड़ों सालों से जब से ये सनातन धर्म के ग्रंथ रचे गए वेद व्यास जी ने तब से ही ये लिखा हुआ है इसलिए सूर्य चंद्रमा साक्षी हैं और इसलिए ज्योतिष ये भी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण साक्षी बनते हैं ज्योतिष के सटीक होने और सही होने के हालांकि ज्योतिषियों से अक्सर गलतियां होती रहती हैं लेकिन ज्योतिष शास्त्र इसमें गलत नहीं हो जाएगा हम जानेंगे कि आखिर ये सूर्य ना नारायण का यह परिवर्तन सूर्यदेव का यह परिवर्तन आपकी राशि को कैसा प्रभाव देगा विस्तार से जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे लेकिन उससे पहले मेरा एक अनुरोध रहेगा अगर आपने 2024 के राशिफल के वीडियो नहीं देखे तो बगल में प्ले मिल जाएगी आपको आई बटन पर प्ले का लिंक दे देंगे वहाँ से जा के अपने कोई जो भी राशि है आपकी आप वीडियो अपना देख सकते हैं लव राशिफल भी देख सकते हैं लव राशिफल की भी प्ले हम आपको यहाँ पर आई बटन पर दे देंगे तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वैसे तो अनेकानेक क्षेत्र हैं लेकिन आप ये समझ लीजिए सूर्य आपके प्राण हैं सूर्य आपके प्राण हैं सूर्य आपकी जिम्मेदारियां हैं सूर्य आपका प्रमोशन है सूर्य आपकी जॉब है आपके अधिकार हैं हर चीज सूर्य से जोड़ के देख सकते हैं सूर्य आपके प्रेम भाव के काल पुरुष की कुंडली में अधिपति भी बनते हैं तो ये प्रेम और सम्मान के पद प्रतिष्ठा के भी प्रतीक हैं इसलिए सूर्य तो हर चीज का कारक सूर्य को कहना सही रहेगा इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति जो अपनी लाइफ में कुछ उसके गोल्स हैं कुछ अचीव करना चाहता है कुछ उपलब्धियां अपनी लाइफ में जोड़ना चाहता है उनको सूर्य का हर परिवर्तन देखना चाहिए लेकिन यह परिवर्तन बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों मिस नहीं करना चाहिए आपके राशिफल का प्रारंभ करते हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बात और बता दें चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार ये जानकारी है उसी के अनुसार इस, इस जानकारी को ग्रहण करें अगर चंद्र राशि पता नहीं है तब नाम राशि के अनुसार भी देखवा सुन सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि रासी की राशियों के क्रम में मेष राशि मेष राशि वालों बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर अद्भुत राजयोग और नवम भाव में सूर्य का होना यह मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि सूर्य जैसे उच्च का प्रभाव आपको देते हैं उच्च का फल देते हैं वैसे ही धनु में सूर्यदेव आपको प्रभाव देने वाले हैं अग्नि तत्व की राशि होती है अग्नि तत्व सूर्य सूर्यदेव हैं बृहस्पति की निर्मल दृष्टि क्या बात है अमृत दृष्टि और इससे राजनीतिक लोगों को बड़ा लाभ आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली राजनीतिक कोई बड़ा पद मिल सकता है अगर राजनीतिक पद में आपकी पार्टी बदलाव कर रही है तो आपको जो मिलने वाला है वो आपके लिए आपकी महत्वाकांक्षाओं के लिए शायद हो सकता है कि आप उसे बहुत बड़ा समझें आपकी महत्वाकांक्षाएं सारी पूरी होने वाली हैं उस पद के मिलने के बाद और यहाँ पर स्थितियाँ प्रमोशन की बन रही हैं जॉबलेस हैं तो जॉब लग जाएगी कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे और उसके साथ साथ आध्यात्मिक वृद्धि होगी सम्मान मिलेगा बड़ा पुरस्कृत बड़े पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा सकता है आपको और उसके साथ साथ आपके प्रेम भाव के अधिपति नवम में यानी कि प्रेम विवाह की भी शुभ मंगल कामनाएं आपको हो सकती हैं यानी कि बहुत सारी स्थितियां आपके प्रेम विवाह में भी आपको मदद करेंगी पेरेंट्स को मनाना है इससे अच्छा समय नहीं है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थितियां सूर्य के इस परिवर्तन से बन गई हैं मेहनत का फल मिलेगा और बिजनेस व्यापार में विशेष लाभ होगा धन योग यहाँ पर एक तरह से मालामाल बनाएंगे सूर्यदेव तो आप किसी भी प्रकार का व्यापार जॉब कुछ भी करते हैं तो वहां पर आपको लाभ होने वाला है धन से संबंधित आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही बेहतर बनेगी उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें बहुत ही बेहतर है उसके साथ साथ एक विशेष यहाँ पर जानकारी आपको दें तो सूर्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि बहुत बड़ा अधिकारी बनाते हैं बहुत बड़ा पद दिलाते हैं तो प्रमोशन होगा तो बड़े पद पर ही जाएंगे मतलब कहीं ज़्यादातर जो प्रमोशन होने वाला है वो उन लोगों का होने वाला है अगर मैं स्पष्ट कहूँ जो अधिकारी रैंक पे हैं उनका प्रमोशन होने वाला है जो सिविल सेवा में हैं उनका प्रमोशन होने वाला है बहुत सारी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी बनने वाली हैं अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं जीएसटी इत्यादि जीएसटी इत्यादि में है तो वहां पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थितियां बन रही तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है हालांकि लव लाइफ में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप अपने पार्टनर का पार्टनर का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा बहुत केयर कीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत लड़ने वाले हैं और अपनी फैमिली को कन्विंस करने वाले हैं तो अच्छी स्थिति है अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वृषभ राशि वालों सूर्यदेव का इस परिवर्तन से सूर्यदेव के इस परिवर्तन से आपको बहुत ही ज्यादा शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में लाभ होने वाला है और मार्केटिंग फील्ड सेल्स के फील्ड में कोई भी व्यापार आपका है, है या कोई जॉब है उसमें आपको बड़ा ही लाभ होने वाला है मेडिकल लाइन में ऑनलाइन कोई फूड बिजनेस में आपको बड़ा ही लाभ होने वाला है बहुत ज्यादा धन लाभ आपको प्राप्त होने वाला है पैतृक संपत्ति से कहीं से कोई विवाद चल रहा था पैतृक संपत्ति को वो हट जाए या फिर पैतृक संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आपके नाम हो जाए पैतृक संपत्ति से आपको बहुत बड़ा लाभ हो जाए अगर कोई संपत्ति विवाद था तो वो खत्म हो जाए राजनीतिक लोगों से बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है और अगर कोई खिलाफ आपके षड्यंत्र चल रहा था अथवा आपके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ था तो आप उस आरोप से बाइज्जत बरी होने वाली है तो बहुत अच्छी स्थिति है हालांकि यहाँ पे लव लाइफ में पेरेंट्स को मनाना और मैरिड लाइफ में पेरेंट्स की वजह से परेशान हो जाना ये बहुत ही कॉमन होगा और इस समय प्रयास मत कीजिएगा कि पेरेंट्स को इग्नोर करने का पेरेंट्स अगर इग्नोर करेंगे पेरेंट्स को इग्नोर आप करेंगे तो निश्चित रूप से समस्याएं और बढ़ जाएंगी आपके लिए लंबी यात्राएं और विदेश यात्राएं भी इस गोचर में होने वाली हैं तो अच्छी स्थिति है अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि मिथुन राशि वालों सूर्य देव का यह परिवर्तन आपको अत्यधिक धन लाभ देने वाला है व्यवसाय में छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉय हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी समय रहने वाला है अगर आप आर्टिस्ट हैं वहां पर आपको मालामाल बनाएगा ये समय और राजनीति में आपके करियर में ऊंचाइयां पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला है आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला है आपके मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाएगी और अगर मैरिड लाइफ टूटने की कगार पे या टूट ही गई थी लगभग तो वहाँ से फिर से यू टर्न आएगा यानी कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपके इस समय सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ स्थितियाँ बनेंगी कि आपको कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाए विवाह के लिए कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो ये स्थिति भी रहेगी धन लाभ की स्थितियां बनेंगी जॉब व्यापार के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ समय रहेगा अच्छा ही अच्छा है अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की कर्क राशि वालों सूर्य देव के इस परिवर्तन से विदेश से संबंधित लाभ होगा विदेश यात्राएं होंगी हालांकि आपको षड्यंत्रों का सामना करना पड़ेगा कई राजनीतिक षड्यंत्र आपके साथ में हो सकते हैं जॉब में है तो जॉब में व्यापार में है तो व्यापार में और बड़े पद पर हैं अधिकारी हैं तब निश्चित रूप से बहुत बुरी षड्यंत्र के तरह तहत तहत फंसाए भी जा सकते हैं लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी इमोशनल होकर के कोई डिसीजन मत लीजिएगा दिमाग से चलिएगा लंबी यात्राएं होने वाली हैं और धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं इस दौरान लव लाइफ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम और फैमिली प्रॉब्लम अत्यधिक परेशान कर सकती है मैरिड लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती हैं तो स्थिति है अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की सिंह राशि वालों खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं लेकिन मालामाल भी होने वाले हैं आपको धन लाभ भी अधिक मात्रा में होगा और राजनीतिक लाभ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा स्थितियां यहां पर ये रहेंगी कि आपको हर प्रकार से प्रेम संबंधों में विशेष लाभ लव लाइफ में आपकी किस्मत जग जाएगी और भाग्य का सपोर्ट अत्यधिक मिलने वाला है भाग्य का इतना सहयोग आपको इतना सपोर्ट मिलेगा कि आपने सोचा ना हो आप हर प्रकार से आप ये समझ लीजिए समय आपको भाग्य में सौ के सौ परसेंट लाभ देने वाला है और भाग्य से ही आपके सभी काम सफल होने वाले हैं विशेष रूप से राजनीति का लाभ पद प्रतिष्ठा मिलना बड़ा सम्मान मिलना और अगर आपकी कोई जॉब प्रोफेसर इत्यादि हैं प्रोफेसर इत्यादि यानी पढ़ाने से संबंधित जॉब है तो उसमें आपको प्रमोशन हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर है तो प्रोफेसर बन जाए ऐसी स्थिति बन सकती है उसके साथ साथ अगर प्रोफेसर या शिक्षक की कोई जॉब इत्यादि के लिए आप एग्जाम इत्यादि दे रहे हैं प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने वाली है कोई चुनाव इत्यादि होता है उसमें जीतने वाले हैं अगर कोई चुनाव इत्यादि के बाद में आपकी कोई पद प्रतिष्ठा इधर उधर होने वाली थी तो वो भी बच जाएगी बहुत ज़्यादा आपके किस जिस तरीके का आपका वोटिंग इत्यादि में जो रुझान रहा है जिस तरीके से आपको लोगों ने या जनता ने जितना पसंद किया है उससे ज़्यादा आपको पद दे दे पार्टी तो पार्टी काफी सपोर्ट करने वाली है आपकी तो ये भी बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहेगा कई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकते हैं जिनसे आपको लाभ प्राप्त हो और सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन रहा है तो अच्छी स्थितियाँ हैं धन लाभ की विशेष अच्छी स्थितियाँ बन रही बात करेंगे कन्या राशि की कन्या राशि वालों सूर्य देव के इस परिवर्तन से अत्यधिक आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा और ख़ास करके इस योग में व्यक्ति सिविल सेवा के लिए रुक करता है मतलब उसका मन करता है कि सिविल सेवक बने तो पढ़ाई में भी बहुत मन लगेगा और सिविल सेवा की ओर जाने का मन करेगा हालांकि कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई ही अट्रैक्ट करे कुछ शौक़ और बड़े बड़े उस तरीके की चीजें सोचना और ख्वाब ख्वाहिश उनसे भी अट्रैक्ट होकर के सिविल सेवा की ओर जा सकते हैं आप आर्टिस्ट हैं सिनेमा जगत से हैं इंटरटेनमेंट फील्ड से हैं वहां पर आपको बड़ा ही लाभ मिलने वाला है और बड़ा ही एक अच्छा खासा काम मिलने वाला है आपका फिर से एक कम होने वाला है बहुत ज्यादा स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली है राजनीति में लाभ और जॉब की हंड्रेड परसेंट गारंटी अगर जॉबलेस लेस है तो जॉब मिल जाएगी अगर पढ़े लिखे हैं तो और सफलता आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है अच्छी स्थितियां यह भी हैं कि सरकारी जॉब के लिए कोई वैकेंसी निकली है सरकारी जॉब के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो योग्यता भी नहीं है तब भी एक बार किस्मत आपका साथ देगी और हो जाएगा आपका तो अच्छी स्थितियां हैं व्यापार में बिजनेस व्यापार में आपको बहुत लाभ मिलेगा राजनीति में भी विशेष रूप से लाभ की स्थितियां रहेंगी और आपके पेरेंट्स से भी आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है हालांकि एक चीज़ से आपको बचना है वो क्या चीज़ है? इसमें अगर आप किसी के खिलाफ कोई षडयंत्र कर रहे थे या कोई कोर्ट केस करना चाह रहे थे तो उससे बचिएगा कोई किसी पर कोई मानहानि या कुछ भी करना चाह रहे थे उससे बचिएगा बुरे फंसेंगे ये किसी पर कोई राजनीतिक क्षेत्र में है और किसी पे कोई अलग कार्रवाई करना चाहते थे किसी ऑफिसर पे या किसी भी तरीके से तो उससे बचिएगा आपके लिए सही नहीं होगा अब बात कर लेते हैं तुला राशि राशि या फिर लेखन से संबंधित संगीत से संबंधित कार्य में है एक बड़ा पद प्रतिष्ठा सम्मान आपकी खोज कर रहा है मतलब हर तरीके से आपको मालामाल बना देगा यह समय इस समय में हर चीज़ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट होने वाली है और सबसे ज़्यादा ये सूर्य के परिवर्तन से जो आपके किसी प्रकार की हेल्थ इशू या कोई वो चल रही थी उसमें भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा एक बहुत ही अच्छा राजयोग है अब सम्मान प्रतिष्ठा सब मिल जाएगा जॉब जो लोग करते हैं उनको प्रमोशन भी मिल जाएगा राजनीतिक क्षेत्र में उनको बड़ा धन लाभ भी मिल जाएगा लेकिन एक चीज़ है जिसका विशेष आपको ख्याल रखना है वो है अपने घर वाले उनकी इज्जत का ख्याल विशेष रूप से करिएगा जितना ज़्यादा अपने पेरेंट्स का सम्मान करेंगे उतना ज़्यादा तरक्की के रास्ते खुलेंगे अगर पेरेंट्स का सम्मान नहीं करेंगे तो आप डाउन हो जाएंगे अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की वृश्चिक राशि वालों आप बहुत मालामाल होने वाले हैं धन लाभ भी बहुत होगा हालांकि लव लाइफ थोड़ी बिगड़ जाएगी इससे लव लाइफ पे विशेष प्रभाव पड़ेगा आपकी बाणी में गुस्सा आकर्षण आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और लोग आपसे बात करेंगे और थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बन जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम 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 लव लाइफ में प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम जिससे आपके पार्टनर भी परेशान और आप उनसे परेशान और अकड़ भी बहुत आ जाएगी आप में इससे भी दिक्कत होगी आपके कुछ पुरानी राज पुरानी बातें पास्ट ये सब चीज़ें भी परेशानी का कारण बनेंगी धन लाभ होगा और शेयर मार्केट में लाभ होगा सट्टा लाटरी इत्यादि में लाभ होगा राजनीति के क्षेत्र में अचानक बड़ा लाभ होगा और अगर आप ओ के प्लेटफॉर्म से संबंधित कोई आपकी जॉब है या सिनेमा जगत से हैं आप तो वहाँ पर आपके लिए या बोल्ड आ, आर्टिस्ट हैं तो उस तरीके से आपके लिए फैशन से संबंधित फैशन आर्टिस्ट हैं फैशन डिजाइनर हैं इससे संबंधित काम है तो आपको उसमें भी बड़ा लाभ मिलने वाला है मॉडल इत्यादि है मॉडलिंग के क्षेत्र में उसमें बड़ा लाभ मिलने वाला है अब बात कर लेते हैं धनु राशि की धनु राशि वालों बड़ा सम्मान मिलेगा मैरिड लाइफ अच्छी होगी और चल रही गलत फहमियाँ खत्म होंगी इससे बहुत अच्छा एक बड़ा सम्मान आपको मिलेगा समाज में भी बहुत ज़्यादा आप पूजनीय बन जाएंगे ऐसा कुछ हो सकता है जिससे आपकी जनता प्रशंसा करे राजनीति के क्षेत्र में बड़ा लाभ होता है और इससे धन लाभ की स्थितियां भी जबरदस्त बनती हैं उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत कर प्रयासरत थे उच्च शिक्षा पाना चाहते थे और किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही थी तो वो खत्म हो जाएगी आध्यात्मिक क्षेत्र में है उसमें बड़ा लाभ मिलने वाला है आपके बिजनेस व्यापार में भी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा आपके अपने आपके लोग बहुत सपोर्ट करने वाले हैं आपको तो अच्छी स्थितियां हैं और पार्टनरशिप के व्यापार में बड़ा ही धन लाभ होने वाला है हालांकि लव लाइफ में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई बड़ा प्रॉमिस मत करिएगा नहीं तो दिक्कत हो सकती है आगे चल के अब बात कर लेते हैं मकर राशि मकर राशि वालों सूर्य देव के इस परिवर्तन से विदेश से संबंधित जुड़े हुए बिजनेस विदेश से संबंधित जुड़ी हुई जॉब और ई कॉमर्स वेबसाइट यानी ऑनलाइन बिजनेस इत्यादि आपका है तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मालामाल होने वाले हैं और लाभ आपको प्राप्त होने वाला है अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जो डिलीवरी से संबंधित काम करती है या अंतर्राष्ट्रीय कुरियर का काम है आपका इंटरनेशनल कुरियर का संबंधित काम है केमिकल से संबंधित काम है उसमें बड़ा ही लाभ होने वाला है अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेडिकल लाइन से संबंधित या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं सरकारी डॉक्टर के तो अच्छी स्थितियाँ हैं और अधिकारी के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं जो लोग फॉरेन से संबंधित जॉब होती हैं जिनकी विदेश से संबंधित जॉब होती हैं या फिर विदेश से संबंधित जॉब नहीं भी है तब भी विदेश यात्रा हो सकती है विदेश से संबंधित जॉब जिनकी भी है चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो उसमें लाभ आपको मिलने वाला है हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा और खर्चों पर नियंत्रण करना होगा अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की कुंभ राशि वालों सूर्यदेव के इस परिवर्तन से आपके बच्चों के प्रति आपका ध्यान बढ़ेगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा धन लाभ भी बहुत होगा और आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ भी बहुत सुंदर बन जाएगी इस दौरान आपको पार्टनरशिप के व्यापार में बड़ा ही लाभ देखने को मिलने वाला है और अत्यधिक आपके लिए स्थितियाँ विदेश यात्रा की बन रही हैं उसके साथ साथ विदेश प्रवास की स्थितियाँ बन सकती हैं आध्यात्मिक उन्नति बढ़ सकती है और अगर आपका ब्रेकअप हो चुका था तो आपका पैचअप फिर से होने वाला है ये भी एक बहुत ही अच्छी स्थितियाँ पार्टनर आपका वापस आ सकता है एक अच्छी स्थिति बेहतरीन स्थितियाँ बन रही हैं लव लाइफ में गुस्सा कंट्रोल करिएगा स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं और अगर आप पत्रकार हैं लेखन से संबंधित कार्य करते हैं अगर आप सरकारी विभाग से संबंधित कोई काम करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में उसमें आपको बड़ा ही लाभ होने वाला है अब बात कर लेते हैं मीन राशि की तो मीन राशि वालों आपके लिए सूर्य देव का परिवर्तन दशम भाव में जॉबलेस हैं तो जॉब मिलेगी सरकारी जॉब में उन्नति प्रमोशन की स्थिति और बिजनेस व्यापार में अत्यधिक लाभ गोल्ड ज्वेलरी का व्यापार अत्यधिक लाभ की स्थितियां पकड़ेगा और सरकारी टेंडर मिलना वो सरकारी प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलना सरकारी प्रोजेक्ट मिल जाना सरकारी खाते से बहुत सारा धन लाभ हो जाना ये स्थिति आपके लिए बनेगी मकान वाहन खरीद सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित काम है तो वहाँ पर भी आपकी स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो किसी भी प्रकार से कोई किसी भी व्यक्ति से इमोशनली कनेक्ट मत होना और राजनीति के क्षेत्र में है तो किसी एक्स्ट्रा अफेयर में मत पड़ना बर्बाद हो जाएंगे बदनाम हो जाएंगे इस चीज का ध्यान रखिएगा तो दोस्तों यह था सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव वैसे तो सबके लिए अच्छा है बाकी सूर्य देव को जल से अर्घ प्रदान करना न भूलिएगा इससे आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा अथवा गायत्री मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला रोजाना कीजिएगा इससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा और श्रेष्ठ रहेगा अब देखिए यही तो है ज्योतिष ये कितना पॉजिटिव है सूर्य का यह परिवर्तन और लोग शिकायत करते हैं आप नेगेटिव बहुत बोलते हैं हो सकता है इसे इसमें भी कोई कमेंट कर दे एक दो मूर्ख कि नेगेटिव बोलते हैं तो इसलिए ज्योतिष को समझिए ग्रह जब परिवर्तन होते हैं उनसे कई राजयोग निर्मित होते हैं ज्योतिष एक वीडियो का विषय नहीं है एक दिन का विषय नहीं है एक महीने का विषय नहीं है यह हजारों सालों की तपस्या ऋषियों की है और इसमें दिन प्रतिदिन नए लोग भी खोज करते रहते हैं तो इसलिए इस चीज़ को समझिए इसको केवल सुन के केवल सुनने भर से आपका नहीं होगा थोड़ा समझने की भी ज़रूरत होगी वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम यहाँ पर लेकर आते रहते हैं और दो का राशिफल देखना मत भूलिएगा आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार